हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट नेटवर्क। और दोस्तों, आज आईपीएल 2020 का पहला मैच खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में। आरसीबी की दोस्तों आज दो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ऐसे ही डेली अपडेट्स पाने के लिए। अब दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अपनी पहली बड़ी खुशखबरी के बारे में जो निकल के आई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के लिए। और दोस्तों ये खुशखबरी जुड़ी है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को लेकर। तो दोस्तों फाइनली एरन फिंच, मोइन अली और एडम जैम्पा निकल चुके हैं यूएई के लिए, और निकले नहीं दोस्तों ये पहुंच भी चुके हैं यूएई के लिए। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं फोटोस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करी है। और दोस्तों रूल के हिसाब से इनको 6 दिन का क्वारंटीन नहीं होना है, अब इनको केवल 36 घंटे का क्वारंटीन होना है। यानी कि दोस्तों 20 तारीख तक ये क्वारंटीन होंगे, उसके बाद ये अपना 21 तारीख को पहला मैच खेल सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के लिए कि एरन फिंच यहाँ पे ओपनिंग करने आ चुके हैं पहले मैच के लिए, और मोइन अली साथ में मिडिल ऑर्डर संभालने आ चुके हैं। तो काफी बड़ी खुशखबरी है ये आरसीबी की टीम के लिए। और दोस्तों साथ ही केकेआर के प्लेयर्स भी पहुंच चुके हैं, टॉम मेल्टन, इयान मॉर्गन और पैट कमिंस, और साथ ही डेविड वॉर्नर भी पहुंच चुके हैं पहला मैच खेलने सनराइजर हैदराबाद के लिए। और ये मैच दोस्तों होगा आरसीबी के खिलाफ, तो हैदराबाद के लिए यहाँ बड़ी अच्छी खबर है क्योंकि दोस्तों जॉनी बेयरस्टो और डेविड वॉर्नर वापस आ चुके हैं पहला मैच खेलने के लिए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे आरसीबी और सनराइजर हैदराबाद का जहाँ मैच होने वाला है दुबई के स्टेडियम में, वहाँ की फोटोज आ चुकी है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस फोटोज को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट करी है। और इस फोटो में दोस्तों आप देख सकते हैं आरसीबी के बैनर लगे हुए। और दोस्तों इस स्टेडियम में आरसीबी की टीम पहला मैच खेलने वाली है सनराइजर हैदराबाद के लिए, और ये स्टेडियम दोस्तों पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब दोस्तों 21 तारीख को सनराइजर हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम के मैच का सबको इंतजार रहेगा। और बात करें दोस्तों यहाँ पे आरसीबी के ओपनर्स के बारे में, तो एरन फिंच और देवदत्त पादिकल आपको दिखेंगे पहले मैच में ओपनिंग करते हुए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपनी दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में जो निकल के आई आरसीबी के आईपीएल 2020 के एंथम को लेकर। तो दोस्तों आरसीबी का आईपीएल 2020 का ऑफिशियली एंथम आ चुका है। दोस्तों मैं आपको कुछ एंथम प्ले करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों ये एंथम कैसा है। अगर दोस्तों आपको पूरा एंथम सुनना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर पूरा एंथम सुन सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वो दो बड़ी अपडेट जो कि निकल के आई आरसीबी के लिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में।